संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 100,000 उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। जो ही राजा परोसने लगा, उसी काल काल के त्रुकृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी, होनहार वश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था। देखा तो वहाँ न भोजन था, न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है, तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया, तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूर वीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीत कर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं, तब उसके लिए धूल सुमेरेतु पर्व के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान कालरूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बलका धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है, वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए।
तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर, सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मय दानव के उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे, जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावती पूरी है और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावती पूरी है। उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर, प्रतापी, अतुलित, बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सब को युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गमन अनुमान करके रावण ने वहाँ अपनी राजधानी कायम की। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्प विमान को जीत कर ले आया। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख, संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बढ़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। इनके अतिरिक्त दुमूर्ख, अकंपन, वज्रदंत,
धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्रेमी भी नहीं थे, उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। पुत्र, पौत्र, कुटुम्बी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, हे समस्त राक्षसों के दलो, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं।